बजने का टाइम आएगा तब मैं और बजूंगा। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, सामने से गॉडल के क्रॉन्टन है, उधर से आईसीएल सिकानी है, नॉक निकाला गया है, क्या स्लैम डाला जाएगा, क्या ट्रोबस का यूज किया जाएगा, लोटस का ग्रेनेड, अरे बहुत से ऑप्शन है बट ये कुछ भी यूज नहीं कर रही है, सीधा घर में घुस घुस के अटैक करते जा रहे हैं। जरूर ध्यान आता है यहाँ पर जॉनसन का एक नॉक निकाल जरूर सकते हैं लेकिन दो प्लेयर से जॉनसन के नॉक का टीम के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई है। जॉनसन टॉप फ्रैगर फॉर अ रीजन। ब्रो घातक के साथ मज़े कर रहे थे ना। अरे मैं आई वॉजंट टारगेटिंग एनीवन टू बी ऑनेस्ट। यू नो व्हेन आई अटैक समवन और व्हेन आई टॉन्ट समवन इट्स वेरी डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट अटैक करता हूँ, मैं सिर्फ मस्ती कर रहा था जो मैं नॉर्मली करता हूँ। मैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है अभी वो सब चीज़ों में पढ़ने का। थैंक यू भैरवी। जब बजने का टाइम आएगा तब मैं और बजूंगा, अभी टाइम नहीं है। तो वी आर गोइंग टू बी लो की, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टीम। नहीं कुछ रनिंग निकल पर और डैमेज देने की कोशिश में देखें कहां से है, इतनी लिमिटेड विजिबिलिटी। मीनवाइल गॉडलाइक की यहां पर फाइट हो जाती है। टीम केविन स्पोर्ट्स के साथ आईजीएल सीखना है, साथ साथ रिवाइवल भी देना है और केविन स्पोर्ट्स को डाउन करके 4 फिनिश पॉइंट्स भी कमाने हैं। जी हां, यहां पर बेहतरीन 4 फिनिश पॉइंट्स। क्रॉन्टन को मिलेगा रिवाइवल, एस पावर को मिलेगा एक इजी रिवाइवल और बहुत ही बढ़िया 4 फिनिश पॉइंट्स। केविन स्पोर्ट्स गन गेम में अभी के लिए हल्का सा बैकफुट पे धकेल दी जा रही है और एस पावर का जो एक्स्ट्रा एफर्ट रहता है वो गॉडलाइक को काफी अच्छे तरीके से कर दे रहा है। देखिए फटाफट से एक ओपी नाम रख लेता हूं, फिर मैच में परफॉर्मेंस भी तो देनी है एंड वही चीज यहां पे टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स करते हुए। चैलेंज आ चुका है किसके साथ? टपाटप के पास। और ये वाला जो एरिया है ना, ये कहीं ना कहीं टपाटप का ही एरिया है। देखिए इनके पास डायनामिक ड्रॉप भी है, इनके पास अपना डायनामिक रूट भी है। जब ये जॉर्जो सिटी जाते हैं तो ये रूट का एरिया इनका सेकंड स्पॉट रहता है और वैक्सी एक बहुत ही ज्यादा ट्रबलमैटिक सिचुएशन में लग रहे हैं। ग्रेनेड किया जरूर से बट वहां से कुछ खास बनेगा नहीं वैक्सी के लिए। डाउन यहां पर कर दिया जाता है। कल जिस सिचुएशन में खेले थे आज एक बार फिर से कुछ वैसे ही सिचुएशन बनकर आ रही है इनके लिए और डिसएंगेज करके जाना पड़ेगा कुछ बेहतर फिनिश पॉइंट्स के लिए। मीनवाइल मीरामार एंड टपाटप बी लाइक कि वेट, वी आर हियर टू जॉइन सम एक्शन फ्रॉम नाउ, नाउ इट्स द टाइम टू गेन सम डिसेंट फिनिश पॉइंट्स फ्रॉम हियर। क्लच गॉड विल बी हैविंग सम डिसेंट मिनी वहां पर अग्रेस करते हुए जा रहे हैं। ग्रेनेड यहां पर कुक कर दिया। क्या ये एक्शन कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या यहां से ये ग्रेनेड अपने कनेक्शन ढूंढ लेगा? आई थिंक यस। नो इट डिडंट। वहां पर फैक्सी बचकर चले जाएंगे। नियो इज कमिंग अप विदाउट ग्रेनेड। ये आगे और गिल के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। 3 वो गिल गोस डाउन ऑन पॉइंट। यहां पर अभी गिल एक्शन आते हुए बट दैट वाज नॉट फ्रॉम दैट ग्रेनेड, दैट वाज द मिनी एक्शन यूज्ड बाय क्लच गॉड, जिसके चलते क्लच गॉड ने यहां पर अभी गिल को डाउन कर दिया। नियो कितनी लूट लेकर आए हो भाई। तीसरा ग्रेनेड यहां पर जा रहा है। क्या ये ग्रेनेड कारगर साबित हो सकता है? डजंट मैटर। आदित्य का वहां पर इंस्टेंट पनिशमेंट आता है जिसके चलते क्लच गॉड को डाउन कर दिया जाता है। नियो एक और ग्रेनेड करने वाले हैं। क्या आदित्य को डाउन कर दिया जाएगा? अच्छा खासा डैमेज मिलता है, बहुत लोगों ने हो चुके हैं। चढ़ गए यहां पर अभी ग्रेनेड डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। नियो क्या ये यहां वाले नॉक निकाल पाएंगे? क्या आदित्य को डाउन कर पाएंगे? इट्स गोइंग टू क्रियोटिक, इट्स गोइंग टू इंटरेस्टिंग बट क्लच गॉड डाउन है। उनको रिवाइवल देना फ्रिट्स यहां पर काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। जॉनथन बैक ऑन हिज फीट। ओआर भी यहाँ पर बैक टू 3 मैन हमें यहाँ पर नजर आने वाली है। काफी अच्छा ग्रेनेड जाता हुआ, देखते हैं फटेंगे। कम एचपी थी और बिल्कुल फटेंगे। फिर से यहाँ पर अब डेस्ट्रो के ऊपर भी एक नेट करने की कोशिश है। अंदर जाता तो शायद इंटरेस्टिंग रह सकता था। कुछ मिस नेट्स होते हुए क्लच गॉड की तरफ से। ये थोड़ा जल्दी रिलीज कर दिया था बट डेस्ट्रो वैक्सी एचपी है नहीं हील करने के लिए, ना बैंडेजेस ना फर्स्ट एड। एंड टीम टपाटप इस चीज का भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहेगी। वैक्सी डेस्ट्रो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करते हुए और टीम टपाटप जस्ट लुक एट देयर कोऑर्डिनेशन। अकेले नहीं जा रहे। नियो को पता है अकेले जाना मतलब सुसाइड है, जिस वजह से अपनी टीम का इंतजार किया है। पूरी की पूरी टीम यहाँ पर ग्रुप अप हो चुकी है। इस पर्टिकुलर टेरेस के ऊपर एक साथ ड्रॉप करने की कोशिश है। क्लच गॉड अपना ड्रॉप जरूर मिस करेंगे बट उनके पीछे उनकी टीम अभी फॉलो अप नहीं किया था उन्होंने, जिस वजह से ऑरेंज रॉक अभी भी यहाँ पर अपने कॉर्नर्स होल्ड करते हुए नजर आ रही है। नियो स्टेयर्स के एरिया पे टीपीपी लेते हुए गॉड उनके साथ यहाँ पर एंगल्स को कम करने की कोशिश करते हुए वैक्सी को स्पॉट कर लिया गया। बहुत ज्यादा लो एचपी, फ्री फायर परफेक्ट जगह लगता हुआ नियो गेट्स अनदर वन। और इसी के साथ क्लच गॉड आदित्य के ऊपर किल निकालेंगे जी गॉड विद द फाइनल ब्लो। गोल्डन मिराडो के साथ जी गॉड लेकर आते एक हीरो वाली एंट्री। उधर से जॉनथन, जिनको बोला जाता है कि आपके पास एक फ्री हैंड है, आप जहां जाकर जिस तरीके से अपनी गेमप्ले दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए जॉनथन डाउन द रेंज एक लंबा फ्लैंक डाल रहे हैं। नियो को परमिशन दे दी गई है कि आप जाके आगे जाके अपना क्लोज रेंज अकाउंट अटैक दिखा सकते हैं, पाउंस ऑन करना चाहते कर सकते हैं। सामने F249 और नियो यहाँ पर भी के लिए अटैक पाउंस ऑन करते हुए बट बच रहा होगा देयू को। ये एक बेटिंग स्ट्रेटजी से कम नहीं है ना। नियो थोड़ी सी पीक दे वहां पर, क्या बेहतरीन कवर मार देते हुए। नियो तो आराम से हील कर लेंगे बट घाटा इसमें किसका हुआ, टीम F1LS का। आप तब तक यहाँ पर TSM या फिर आप कह सकते हैं टपाटप के किसी प्लेयर को डैमेज मत दो जब तक वो अकेला ना हो, वरना पीछे से कवर फायर कभी भी आ सकता है। देखते ही देखते F1LS की टीम काफी ज्यादा दिक्कतों में लग रही है, एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है। नियो अग्रेसिवली आगे जा रहे हैं, अब ये अकेले जा रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगर यहाँ पर नॉक होके शिफ्ट करेंगे F249 पर, एडीएस खोलेंगे, डैमेज देने की कोशिश करेंगे, रात को यहाँ पर कर दिया जाता है डाउन। नियो को मिलता है दूसरा फिनिश पॉइंट। जी गॉड यहाँ पर अभी के लिए कुछ बेहतरीन फिनिश पॉइंट सिक्योर करके जाते हैं। फाइनली के बाद एक नॉक जो है फुल ट्रेड आउट हो चुका है। क्लच गॉड भी यहाँ पर स्पॉट किया जा चुका है। स्मोकी अपने आप को सही तरीके से कवर में रखना चाहिए, उनको पता है इस टीम के अगेंस्ट ज्यादा ओपन नहीं रहना बिल्कुल कारगर नहीं होगा। बट क्या जॉनथन को देखिए और उनके स्प्रेस को देखिए, डैमेज जरूर स्मोकी का, लेकिन मैं स्मोकी की भी दाद देना चाहूंगा। ऑलमोस्ट जैसे उन्होंने स्पॉट किया, उनको पता था खतरा है तो सीधा पीछे आए। बिल्कुल अगेन मैं एक बार एक बड़ा वर्जन देखना चाहूंगा इस मैप का, ताकि आप वो विंग फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली देख सकें। दो प्लेयर सेंटर में, एक प्लेयर लेफ्ट में, एक प्लेयर राइट में, एंड यही चीज यहाँ पे मेरा मार में टीम टपाटप बहुत अच्छे से करती है। नॉट योर वॉट जॉनथन, अभी इनका फ्लैंक रुका नहीं है, ये भी फ्लैंक करके आगे जा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको संभालना पड़ेगा। रैयद जो एक काफी अच्छी पोजिशन पीछे से कवर देने की ले चुके हैं, उनको टेक डाउन अगर कर देते हैं किसी तरह तो टीम F1LS का सपोर्ट खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद रश करना थोड़ा ईजी होगा। कुछ दिनों से हम स्टडी कर रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे बैठ के, आई मीन ऑफकोर्स आप तो टीचर हैं, मैं भी थोड़ा सा आपसे सीख रहा हूँ। तो स्टडी करते हैं हम टीम टपाटप को। ये जब भी फाइट करने जाती है यूटिलिटीज का अमेजिंग इस्तेमाल करती है, अपोनेंट को बैकफुट पे डालती है, अपोनेंट को कुछ दिखाई नहीं देता, स्मोक वाग उनके आगे होते हैं और बैक टू बैक नेट्स की बारिश होती है। तो जैसे कि आप कहते हैं नेट परेड इट इज ऑन। I mean, मेरा मार जैसे मैप पे तो आपको चाहिए इतने ओपन एरियाज हैं। आप चाहेंगे क्यों ना प्लेयर्स अगर कोई रिज के पीछे उस रिज के पीछे या हल्का कहीं पर आप नेट्स कर दीजिए, प्लेयर्स जंप मार के हटेंगे हटेंगे। खैर जी गॉड उनको फिर से डैमेज हो, जी गॉड वापस से अपने आप को नॉक होते हुए नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जरूर यहाँ पर देखनी पड़ेगी इस टीम को, क्योंकि सबका ध्यान राइट पर है बट किसी का भी ध्यान साइड वाले प्लेयर्स पर नहीं है। अब तक करके जरूर ध्यान आता है यहाँ पर जॉनथन का, एक नॉक निकाल जरूर सकते हैं लेकिन दो प्लेयर्स से जॉनथन गेट्स नॉक्ड अप। नियो बैक एंड से आएंगे, एक अच्छी फाइट निकालते हैं, नियो एक और नॉक करेंगे, जॉनथन को बचाते हुए रायत बहुत बड़ी मुश्किल में है। उनके ऊपर हावी हुए जॉनथन बचेंगे क्योंकि नियो का 1v3 आता है। नॉक कर चुके हैं, अब आखिरी जो प्लेयर बचे हैं वहां पर कमिंग के उनके ऊपर यहां पर शॉट्स नहीं कोशिश की जरूर जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और कंफर्मेशन आती है यहां पर जॉनथन के हिस्से में, एक और कंफर्मेशन आती है जॉनथन के हिस्से में, एक और कंफर्मेशन आती है जॉनथन के हिस्से में। पिछले 3 सेकंड में 3 फिनिशेस ये प्लेयर निकाल चुका है अपने लिए। जी गॉड भी यहां से राइज करने की, जंप करने की, ग्लोबल स्पोर्ट्स अभी के लिए यहां पर थोड़ा सा बैक फुट पे जरूर से बिकॉज़ सामन को रिवाइवल मिल नहीं पाएगा। फियर्स यहां पर रिवाइवल ले लेंगे और सबकी एचपी काफी ज्यादा है कम। हायर ग्राउंड पर टीम गॉड लाइक पीछे से डार्क एडीएस कवर फायर दे देंगे तो सामने जो दोनों प्लेयर थोड़ा सा टफ टाइम को डील कर रहे हैं उन्हें हील करने का मौका मिल जाएगा। अब हायर ग्राउंड से वो खिलाड़ी आ जाता है जो कहता है कि उनको आईसीएल सीखनी है, बट मैं इनसे ये पूछता हूं कि क्या करूंगा ऐसी आईसीएल सीख के, जब इतना बढ़िया ऑलरेडी आप खेल ही रहे हो। टास्क मीनपाल यहां पर मिलिमीटर इंच की इक्वल डैमेज देने का प्रयास करते हैं हायर ग्राउंड पर, आपको मिलेगा माइक्रोजी के साथ अभी के लिए की ऑफ गार्ड एंगल से यहां पर डैमेज देने का प्रयास और ये काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है बिकॉज़ बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। ग्लोबली स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई, डार्क बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, आईजीएल सिखानी है ब्रो आप हमें सिखा दो बिकॉज़ हर उस जगह पे जा जाके तो आप डैमेज दे रहे हो। किले अभी के लिए टीम टपाटप के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। TSM FTX जैसे ही खिलाड़ी नॉकआउट हुआ तुरंत ही वो अपने साथी को बचाने के लिए चले गए हैं और ये जो फाइट अभी चल रही है यहाँ पर टीम GodL की। यहाँ पर चैट सेक्शन में आप दूसरी टीम को हेट ना देके अपनी टीम को अगर आप सपोर्ट करना शुरू कर दे तो वो जो आपने अभी कंटेंडर बताया है जो एक और टीम जिनको मौका मिलेगा राउंड 2 में खेलने का वो इस तरीके से भी तो डिसाइड हो सकती है। तो गाइस चैट में पॉजिटिविटी देने का एक और रीजन आपको मिल गया जिसका फायदा इंडायरेक्टली आपकी ही टीम को मिलेगा, तो सपोर्ट देना शुरू कर दीजिए। चलो बताओ देखते हैं चैट में किसका यहाँ पर टॉप लेवल सपोर्ट आता है, कौन सी टीम है जिसको आप यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हो। GXR के MJ कंपाउंड पर है, रुके हुए हैं, बट एक ट्रैप बनाया है किसने? टीम गॉडलाइक ने। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, सामने से गॉडल के क्रॉन्टन है, उधर से आईसीएल सिखानी है, बट इधर से कीकी ने बोल दिया कि पता नहीं सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, बट इतनी छोटी सी पिक्सल में से ऑन पॉइंट यहाँ पर, वो भी लेफ्ट पीक देंगे। कंफर्टेबल सब राइट पीक में होते हैं, उन्होंने लेफ्ट पीक निकाली और क्या बढ़िया वहां पर नॉक निकाला गया है। क्या स्लैम डाला जाएगा, क्या ट्रोबल्स का यूज किया जाएगा, लोटस का ग्रेनेड, अरे बहुत से ऑप्शन है, बट ये कुछ भी यूज नहीं कर रही है, सीधा घर में घुस घुस के अटैक करते जा रहे हैं। ये कौन है? आईजीएल नहीं सिखानी, मुझे पता लगा क्या ये नोवा गॉडलाइक है, बिकॉज़ इनका अगर कॉन्करर पुश का एक्सपीरियंस इस तरीके से काम आने वाला है तो मुझे भी कॉन्करर बनना है। वो मुश्किल नहीं होता जब आपके पास चार प्लेयर्स अपने साथ और एमजे अकेले बचे हुए। क्रॉन्टन यहाँ पर अभी के दो फ्रेश पॉइंट्स अपने लिए लेकर जाते हुए, और क्या कमाल की कमबैक है क्रॉन्टन भाई की तरफ से भी, बिकॉज नहीं उतनी ग्राइंड करी थी, उतना प्रैक्टिस रेगुलर नहीं भी कर पाते जब हमारे पास गेम नहीं था, बट जब आ जाता है, जब इंडिया का बैटल ग्राउंड आ जाता है, तो ना सिर्फ अर्शद वारसी के साथ एक बढ़िया वीडियो बनाई है, कमबैक भी बहुत बढ़िया करी है। मिलेगा क्या शॉटगन का कमाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बट जवाब कहाँ मिलेगा? IPL के चैनल पर, तो लाइक करें स्ट्रीम को, चैनल को करते सब्सक्राइब, बिकॉज जी गॉड का बर्गर यहाँ पर ब्रॉक्स के लिए उतना ज्यादा टेस्टी साबित हुआ नहीं, काफी हाश था ये ब्रॉक्स के ऊपर। क्लच गॉड एक अच्छी टीपी पे एंगल पर, एक्चुअली वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि जब वहां से टीपी पे एंगल से एक प्लेयर बाहर निकलकर आएगा, क्लच गॉड वहां पर अपनी डिफेंस के चलते नॉक कर देंगे। मीनवाइल जोनाथन अभी के लिए अपनी टॉपिक का कमाल दिखाते हुए मैच वाचों के नाक अल्ट्रॉन सामने से भी आने ही वाले थे कि पीछे से जोनाथन को कवर पर देने के लिए क्लच गॉड आए थे। जी गॉड यहां पर नॉक पड़े हैं, क्लच गॉड की एचपी ज्यादा कम है, लेकिन जी गॉड के बाद अगर आप नजर रखना चाहते हैं तो आप जोनाथन पर डाल सकते हैं, बिकॉज़ ही इज एक्चुअली द गेम चेंजर, ही इज एक्चुअली द मोमेंटम शिफ्ट। यहां पर इनका मुकाबला हुआ था सैनॉक जब हुआ था, ये दोनों टीम खेलते नजर, तब जीएक्सआर ने एलिमिनेट करा था टीम टपाटप को, तो एक बढ़िया मौका है यहाँ पर, एक बोल सकते हैं उसको बराबरी करने का, स्कोर लाइन को बराबरी करने का, 1-1 तक लेके आने का, और इससे बेहतरीन मौका नहीं हो, क्योंकि अभी मैं अगर बात करूं अल्ट्रॉन आखिरी खिलाड़ी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और अगर अल्ट्रॉन यहाँ पर एक क्लच निकाल लेते हैं बहुत नहीं दिया, बट सच में यहाँ पर टपाटप के ऊपर एक चैलेंज आ चुका है, और किसका एक बार फिर से एक्सटीएसएम वर्सेस करंट टीएसएम, एक ग्रेनेड गलत हो गया, जी कोड को वो ग्रेनेड रोको के पीछे करना चाहिए था, ओपनिंग निकल सकती थी। जोनाथन इज आउट देयर, ही इज एक्चुअली, मैं बहुत कम बार जोनाथन को ऐसे देखता हूं कि बड़े शांत होकर ना कुछ सोच में है, अटैक इस तरीके से षड्यंत्र रचा जाए, और अब मुझे लगता है जब इनको टाइम मिल चुका है तो डाउन नहीं करेंगे, यहाँ पर मौका मिलेगा, बट क्लच गॉड वो इंस्टेंट रिफ्लेक्स आता हुआ दोनों को डाउन हो गया, निंजा ने क्लच गॉड को डाउन कर दिया, नियो ने निंजा को डाउन कर दिया, दोनों टीम से एक खिलाड़ी डाउन, उधर से नियो उनको रिवाइवल दे रही है, इधर से एक्वानॉक्स निंजा को रिवाइवल दे रहे हैं, बट निंजा के लिए बुरी खबर ये कि उन्हें थर्ड पार्टी का डैमेज भी मिल रहा है, बिकॉज़ टीटी के कैरी ने यहाँ पर निंजा को डाउन कर दिया। वी वेलकम टीटी, वी वेलकम आईवर्ड इन द एक्शन, बट अभी वेट कर लो, टपाटप की फाइट पूरी निपट जा रही है, तो उसके बाद वो थर्ड पार्टी को भी जरूर से देख लेंगे। बोगियर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पीछे से टीएसएम एफटीएक्स के प्लेयर ब्रोकर के पीछे, जीगॉड ने जो ग्रेनेड पहले गलत करा था वो सही ग्रेनेड करने का समय आ चुका, बिकॉज़ अगर वो कनेक्शन ढूंढ लेता है तो ब्रोकर वॉल के पीछे से दिक्कतें बढ़ा दी जाएंगी। निंजा यहाँ पर पूरे तरीके से अपने जवाब हो चुके हैं, क्लच गॉड को डाउन किया गया था, उन्हें रिवाइवल मिल चुका है, तो फोर मैन स्ट्रांग टीम टपाटप इज लुकिंग वेरी गुड, बट नो मोर एनी मोर, यहाँ पर एक्वानॉक्स से ग्रेनेड कर जाते हैं, नियो को डाउन कर जाते हैं, ब्लेज इधर से एक और ग्रेनेड को करने वाले, नाउ दैट्स गोना बी क्रूशियल, ही इज गोइंग फॉर इट और नॉट, आई थिंक नो, शैडो इज एक्चुअली गोइंग फॉर दैट क्लोज एंड फाइट, बहुत हो गया ग्रेनेड्स का पार, यहाँ पर क्लोज रेंज के अपनी गन पावर दिखाने के आ जाते हैं, एक्वानॉक्स के पास अभी के लिए लीड चलना बने, एक गेम पीछे डाइवर्ट की टीम यहाँ पर कभी भी थर्ड पार्टी कर सकती है, बच कराना पड़ेगा उस चीज से भी, मीनवाइल लॉटी ओडिया पर शैडो को डाउन कर जाते हैं, एक एक करके टीएसएम एफटीएक्स के लिए सिनेरियो बहुत ज्यादा खराब होते हुए, एक ही प्लेयर एक ही कंपाउंड, छोटा सा वो पैनिक रूम, और देखते ही देखते टीम टपाटप का डोमिनेशन एक्वानॉक्स की टीम के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई है। Top fragger for a reason, 1v3, and he is actually a close range beast.